अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में और जानने के लिए www.indianidol.sify.com पर लॉग ऑन कीजिए। पर इस वक्त वेलकम बैक टू इंडियन आइडल का डिस्को स्टेशन, जहां इस वक्त लड़कियों के दिल में लिटरली मोहब्बत के डिस्को बल्ब जलाने आ रहे हैं देश के स्वीट हार्ट एम मॉन चैटर्जी। अच्छे सिंगर हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि जो जरा सी बातें हैं वो भी अब निकालनी पड़े। इमान आवाज बने आदमी, गूंज नहीं बने। आप सोनू निगम को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके गाने पे मुझे अक्सर उसके गाने के स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। आप अपना रास्ता ढूंढिए और अपनी आवाज ढूंढिए। आप इतना सुर में गाते हैं, आपकी अच्छी आवाज है, आप कहीं भी कॉपी कर रहे हो ये अच्छा नहीं लगता मुझे, और इसे छोड़ दीजिए। अलीशा जी, टुडे आई थॉट दैट हिज परफॉर्मेंस वाज फ्लॉलेस, फ्रैंकली रियली मेबी थोड़ी आवाज में गूंज कम थी। यस, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने सही नहीं गाया, मगर मुझे अक्सर इनके जो नोट्स होते हैं, जो जिस तरह से ऊपर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंटेंशनली सोनू का इन्फ्लुएंस इन पे दिखाई देता है, वो नहीं होना चाहिए। आज तो मुझे खैर ऐसे नहीं लगा इन टुडेज परफॉर्मेंस। आई डिडंट फाइंड, आई फाउंड द ट्रू इमान कमिंग थ्रू इन दिस परफॉर्मेंस रियली। ओके इमान, यू आर अ फैबुलस सिंगर, पे कोई शक नहीं है। कंपैरिजन था बैड, बट क्या करें, अब पांच ही तो लोग रह गए हैं और यहां से कोई ना कोई तो निकलता जाएगा। कहीं तुमने गाना बहुत जबरदस्त गाया, एंड में जब आए मुखड़ों में तुम्हारा सुर भी गया, सेकंड थर्ड एंड में जब आने लगे तुमने जरा मूवमेंट्स की, तुम्हारा थोड़ा सुर गिरने लग गया। अब छोटी बात है, फिर को फिर बोल रहे हो, वो खटकती गान को। मैं तुम्हारी गलती इतनी जल्दी इसलिए माफ नहीं करना चाहता कि मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूँ। मैं चाहता कि तुम और आगे बढ़ो, तुम और अच्छा गाओ। तो आज तुम्हारी परफॉर्मेंस वॉज गुड बट नॉट आउटस्टैंडिंग। मेरे हिसाब से यू गॉट हैव डन मच मच बेटर इमान। ओके उदय जी,
सहमत हैं आप अनु जी से? मुझे आपका ड्रेस आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अच्छा गाया आपने, लेकिन मस्ती कम थी गाने में और शब्द की क्लियरिटी कम थी। है को आप हे कह रहे थे, जो कि कई बार मुझे लगा। सर प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम थोड़ा तो मेरा है सच में, है सच में। पर सर आज एक ही प्रॉब्लम हुआ सर, अंदर में बहुत सारे वेज है ना, तो मैं बहुत डर के मारे परफॉर्म कर रहा था। शॉक से नहीं, डर ना लगे सारे इधर पे इधर उधर। तुम्हें शॉक से डर लग रहा था? हाँ सर, आज ये इलेक्ट्रिफाइंग परफॉर्मेंस था सर। देखिए आपके पास भी शॉक है, इधर भी है, मैं यहाँ डर रहा हूँ। मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं एक बात कह दूंगा, बाकी तो तुम्हारी तारीफ ही होगी। सच्ची बात यह है कि तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, और ये इतराज़ के बावजूद भी जो मैंने किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते फिर यहाँ तुम परफॉर्म कर रहे हो। ओके, दैट साउंड्स गुड। बोल करेंगे। थैंक यू सर। जजेस नहीं बल्कि आई एम श्योर जनता भी आपको अगले राउंड में देखना चाहती है। इंडियन आइडल ही लक्ष्य, जीत ही सब कुछ, यही मंत्र लेकर उतर रहे हैं मैदाने म्यूजिक पर इंडियन आइडल के टॉप 5 दावेदार डिस्को की धुन पर धूम मचाने के लिए। एक कसम पैदा करने वाले की मिथुन दा का नाचते नाचते टांग उठाना, और हुसैन बच्चन साहब का सिग्नेचर डिस्को। अरे Right! सब याद आएगा आज इंडियन आइडल के डिस्को स्पेशल में। कोई यहाँ नच नचे, कोई वहाँ नच नचे, सारे हंसी यहाँ नच नचे, सारे जवान नच नचे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.